हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं फिर से एक डिश लेके आई हूँ और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी है, क्योंकि ये पनीर भुर्जी है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं। तो गाइस, ये कैसे बनाई जाती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, मैंने पहले से गर्म कर दिया है, अब इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे। अब हम एक तेज पत्ता डालेंगे। देखिए, अदरक, मिर्ची और लहसुन का मैंने इसको कूट लिया है, वो हम डालेंगे। कद्दू का किया है, वो भी हम इसमें डालेंगे। इसमें दो टमाटर है, मैंने कद्दूकस किया है, इसे भी हम डाल देंगे। नरम होने तक पकाएंगे। और देखिए, इसमें मसाला है, मैंने मिर्ची पाउडर है, मैगी मसाला है, जीरा पाउडर है, हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, थोड़ा सा नमक है, वो सब इसमें हम डाल देंगे। डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़े से पनीर है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम थोड़ी सी छाछ डाल देंगे। पाँच से दस मिनट इसको पकने देंगे। जरा जो ग्रेट किया हुआ पनीर था वो भी हमें इसमें डाल देंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें देखिए, दो हरी मिर्च इसमें हम डाल देंगे। कसूरी मेथी हम थोड़ा डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ता, ये रेडी हो चुका है, इसको हम सर्व कर देते हैं। ये बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी है। आप रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं और ये टिफिन में भी कैरी कर सकते हैं गाइस। तो मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर।
Thank you.